हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और मैं क्लास 12th मैंने पास कर ली है और हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो 22nd of July को आया था, तो मैंने ऑफिशियली भी क्लास 12th पास कर ली है, ठीक है। और अब देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी बताने के लिए। सो अब मैंने इस बार जो हमारा 2021-2022 सेशन हुआ था, जो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सेशन था, जिसमें हमारा टर्म वन हुआ था, टर्म टू हुआ था, फिर हमारे टर्म वन को 30%, टर्म टू को 70%, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली तो सबको पढ़ाई करनी थी, तो मैंने इस बार ज्योग्राफी में 100 स्कोर किया। आई नो बहुत सारे बच्चों ने स्कोर करा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मुझे एक कमेंट आया था एंड आई थॉट कि ठीक है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग, देर आर मेनी स्टूडेंट जो कि ब्राइट हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ सम पॉइंट्स, जो उन्हें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन वो उनको हेल्प कर सकते हैं उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। सो यू नो, अगर किसी को आप ऐसे कुछ पॉइंट्स बताते हैं, सो आई थिंक दैट वो आपको हेल्प कर सकते हैं मेरी तरफ से। तो मैं देखिए, ये जो वीडियो, ये दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर ज्योग्राफी, मैं इसमें आपको सिर्फ ज्योग्राफी बताने वाली हूँ, बट ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। अब ज्योग्राफी में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि कुछ इस पर वीडियोस बनाए जाएं। सो आगे देखते हैं, कुछ वगैरह देखूंगी मैं, लेकिन फिलहाल के लिए दिस वीडियो इज़ फॉर ज्योग्राफी। सो देखिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा इससे हटके भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है जो कि फैक्चुअल है, जो कि पूरा का पूरा फैक्चुअल है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप इसको रीड करोगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस करा है, रीड करने से ये याद नहीं होता है, रटना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको कितने क्रिएटिव तरीके से आप याद कर सकते हो, आपको इसके फैक्ट्स को लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इस बार का जो हमारा पेपर था, वैसे तो CBSE मैंने देखा, इस बार का जो पेपर था हम लोगों का, ये उतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं था, लेकिन चूंकि आपको ये बात पता है कि CUET हो रहा है और अगर आपका नेक्स्ट सेशन में भी CUET इसी तरीके का होता है या फिर आपसे डोमेन्स ही पूछते हैं और ज्योग्राफी आपका वन ऑफ द डोमेन्स है, तो वहाँ पर फैक्ट्स आपके इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ आपसे वो। और कुछ हमारा जो पेपर हुआ था मेरा 16th of July को मेरा CUET हुआ था और उसमें हमसे और कुछ नहीं पूछा था, सारे फैक्ट्स पूछे थे, सिर्फ फैक्ट्स पूछे थे। तो फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर देम, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आपकी ज्योग्राफी में 2 books हैं, ठीक है। सो देर आर 2 books इन ज्योग्राफी क्लास 12th में, ठीक है। सो एक जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। एक्चुअली मुझे नाम याद था लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, ठीक है। तो एक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। अब आपकी ये 2 books हैं। अब मैंने देखा है, इवन मैंने ये चीज़ अपने में महसूस करी थी कि जब हमारे सेशंस शुरू हुए थे तो मुझे ये लग रहा था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। अब तो अब जुलाई में है, हम लोग अगस्त आने वाले हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बुक से बहुत ज़्यादा परिचित हो गए होंगे और आप बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो मुझे लगा था कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है और ये जो बुक है ये यू नो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सेकेंडरी, ये पहले मुझे करना है। लेकिन बाद में मुझे ऐसा एहसास होता है कि दीज टू बुक्स आर सो इम्पॉर्टेंट और दोनों से सेम वेटेज है, सेम मार्क्स के दोनों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों का सेम वेटेज है, दोनों में ही आपको बराबर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दे लो, इस पर कम ध्यान दे लो। अब देखिए, ये तो ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपको पहले पता होनी चाहिए वो ये कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और ये है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, यही अप्रोच है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगी ना, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप बिल्कुल डिवोटेड होकर इसके लिए आप मेहनत करोगे तो। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है, दिस बुक इज़ ईजी, कंपेरेटिवली ये इजी, ठीक है, दिस बुक इज़ ईजियर
और ये वाली जो बुक है ये हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली आपके मैं एक नहीं, मैं आपको बता रही हूँ इसमें जितने चैप्टर्स हैं वो सब के सब इतने ज़्यादा फैक्चुअल हैं कि इसमें आपको नंबर्स हो गए, स्टेट्स हो गए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। डोंट इग्नोर दिस बुक। और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि इस बुक को बाद में करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस बुक को जैसे कि आप सोचोगे कि मैं एक बार में लर्न कर लूँ, नहीं होने वाला है। एक बार में लर्न करोगे दूसरे दिन भूल जाओगे, नहीं होगा। इसको आपको डे वन से या फिर अभी से ही आपको लगातार रिवाइज करते करते पढ़ना होगा। आपने कम से कम, मुझे लगता है इस चैप्टर को, इसके हर एक चैप्टर को आप 4 से 5 बार पढ़ते हो टाइमली, यू नो इंटरवल के भी, मतलब आपके कुछ कुछ इंटरवल लेकर के, तब जाकर तो ये आपका चैप्टर मिनिमम 4 से 5 बार आपको बार बार पढ़ने होंगे इन चैप्टर्स को, तब जाके तो आपको इसके फैक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से याद होंगे। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अपने आंसर में फैक्ट्स डालते हो, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस बुक इज ईजी, ठीक है। ये बुक जो है वो थोड़ी ईजी है कंपैरेटिवली, इसमें आपके उतने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पहले हम इस बुक पे ध्यान देते, क्योंकि मैंने यही गलती करी थी। मैंने इस बुक पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, लेकिन इस बुक पे मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया था, और मैंने लास्ट में स्ट्रगल किया था इसके फैक्ट्स को याद करने में, ठीक है। और तो ऑल्दो मैंने कर लिया था, लेकिन आप जब शुरू से चलते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी नहीं होगी, वरना यहाँ पर इतने ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, तो वो काम हमें नहीं करना है, ठीक है। सो फंडामेंटल्स ऑफ, और हाँ एक चीज़ और, मैंने इस बार क्या ट्राई करा था, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, लेकिन क्लास टेन तक मैंने YouTube वीडियोस देखे थे। किसके YouTube वीडियोस? तो मैंने अपनी पढ़ाई के ही YouTube वीडियोस देखे थे। देर आर सो मेनी चैनल्स, और क्लास टेंथ के लिए तो इतने वीडियोस बनते हैं, हर चैनल क्लास टेंथ के लिए वीडियोस बनाते हैं। क्लास इलेवेंथ में मैंने ये चीज़ महसूस की कि देर आर वेरी फ्यू चैनल्स जो कि ह्यूमैनिटीज़ पर बना रहे हैं। कुछ गिने चुने चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको मैंने भी फॉलो करा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस करी कि NCERTs आर सो इम्पॉर्टेंट कि आप इस पर अपना फोकस करें। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी बुक्स तक रखा कि मैं अपने बुक्स को फॉलो करूंगी, जहां पर मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं वीडियोस देख लूंगी। इसका एक रीज़न एक और था कि जैसे जब हम यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, आप बिल्कुल यूट्यूब से पढ़िए, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो करिए, मेरे लिए आप अपना डिसीजन मत चेंज करिए। लेकिन कभी कभी यू नो NCERT को आप खुद से बिल्कुल रीड करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप सिर्फ वीडियोस पर एक बार के लिए उस पर आप बिल्कुल निर्भर रह गए और वीडियोस देखा और आप पेपर देने चले गए। आप यू नो इमरजेंसी में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको बिल्कुल ऑनेस्ट जो एक एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगा, वो ये कि NCERT को अपनी बुक को एक बार अपने हाथों में उठाकर ज़रूर पढ़िए। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं और जब हम हाईएस्ट स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं होंगे, और तब आप वहाँ पर इस चीज़ को फेस करेंगे कि मुझे तो आदत है यूट्यूब वीडियो से पढ़ने की, अब मैं बुक कैसे पढ़ूँ। तो बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, बुक्स आर सो इम्पॉर्टेंट, बिना बुक्स के यू नो पढ़ाई नहीं होती है। तो बिल्कुल आप बुक से पढ़िए, आपका मन कर रहा है PDF डाउनलोड करके उसके पढ़ लीजिए, लेकिन फोन से ही पढ़िए, लेकिन यू नो अपनी NCERT को ज़रूर रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं आपको बताऊं ज़रा, अब कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अब तक अगस्त है और आपने मोस्टली बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, आप धीरे धीरे, अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स दोनों ही बुक्स में से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब आपको पता होगा ना, तो आप शुरू से ही उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे, और आप मुझे ज़रूर जाकर आगे में आप सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने इसको टाइम से पढ़ लिया। तो सबसे पहला तो ये आपका, अगर आपका लैंड रिसोर्सेज, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और यहाँ पर बताऊँगी मैं आपको इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी, यहाँ पर ये बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका सबसे पहले जो चैप्टर है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये चैप्टर कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन आप जब तक पढ़ते यू नो आप पढ़ने लगोगे और अच्छे से आप इस पर ध्यान देने लगोगे, तो ये चैप्टर आप रिवीजन करते करते ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, ये तो मेरे लिए एक बार का खेल है, दाएँ हाथ का खेल है, नहीं है, एक बार के लिए नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा जो इसमें चैप्टर है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टाइम से कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप अगर इसको ढंग से करते हो तो। इसके बाद है आपका टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। ये भी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए ये टफ नहीं है, लेकिन आप जब बार बार रीड, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये टफ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बार बार पढ़ रखा है, मेरे दिमाग में उसका पूरा का पूरा कंटेंट है, इसीलिए मुझे ये टफ नहीं लग रहा है। लेकिन मैं
उस इनिशियल स्टूडेंट की तरह सोच रही हूँ जो बच्चा अभी उसने अब तक पूरी बुक नहीं पढ़ी और मे बी वो उसको बाद में इग्नोर कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दिस चैप्टर यू नो ये बहुत ज़्यादा इसमें आपकी मेहनत लगेगी। पूरे ज्योग्राफी में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगी थी, क्यों? क्योंकि आपके इसमें इतने ज़्यादा स्टेशंस के नेम हैं, इतने ज़्यादा प्लेसेस के नेम हैं, इतने ज़्यादा इसमें रूट्स हैं, मतलब आप, अरे टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? क्योंकि आप इसको रीड करेंगे, आप इसको जब बार बार रीड करेंगे, देखिए रिविज़न जो होता है ना, प्रैक्टिस जो होता है ना, वो सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र होता है और बहुत खुला हुआ मंत्र है, कोई भी आपको बता देगा, लेकिन उस मंत्र को बार बार करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बार बार रीड करेंगे ना, तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप बार बार रीड करोगे ना, तो आपको फिर अच्छा लगेगा, आप इसको पढ़ने का आपका मन करेगा, आपको पता होगा कि मुझे इसका पता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आई एम गोइंग टू मार्क यू नो स्टार्स हियर कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्लीज़ रीड करिए, एकदम टाइम निकाल कर अपने लिए बार बार रीड करिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। शुरू में आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी कि कैसा चैप्टर है, तो याद ही नहीं हो रहा, पढ़ा पूरा फिर कुछ सब कन्फ्यूज़ हो गए, सारे नाम सब मिक्स हो गए, मिक्स नहीं होगा। आप बार बार पढ़िए, आपको जब आपकी बुक आपके दिमाग में हो जाएगी ना, तब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद है आपका एक चैप्टर है, अब इस बात आपके सारे सिंपल है, इंटरनेशनल ट्रेड है, लेकिन वो आपका उतना टफ नहीं है। मैंने आपको वो बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, जो आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी, इसमें आपकी मेहनत पड़ेगी, ठीक है। और ये आपके वन वन स्टार्स, तो इसमें आपकी मेहनत लगेगी, बिल्कुल मेहनत लगेगी, लेकिन कंपैरेटिवली मैंने यहाँ पर बताया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, इसमें मैं आपसे कहती हूँ कि सारे सारे चैप्टर फैक्चुअल्स हैं, फैक्चुअल हैं, आपको सारे में ही फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। इवन जो स्टार्टिंग के नहीं स्टूडेंट, सारे ही चैप्टर, सारे ऑल चैप्टर्स जो हैं वो सब फैक्चुअल हैं और सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी? सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको एक चैप्टर है लैंड रिसोर्सेस वाला चैप्टर, इसमें आपका कंटेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको टाइम लगेगा, आप पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे आपको उसका सारे फैक्चुअल चीज़ें याद हो जाएंगे। इसके बाद है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इसको तो आप करना, क्यों? द रीज़न कि आपका जो मिनरल, क्या है मिनरल, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे जगह के नाम हैं, हमारे देश में कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है, कौन से कहाँ पर ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, तो वो प्लेसेस आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए वो CBSE में पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, बट CUET अगर कंटिन्यू करता है और सेम चीज़ अगर आपसे डोमेन्स रहते हैं, क्योंकि हम देखिए जो प्रेजेंट चीज़ें ना उसको हम अगर अपना आधार मान के चलते हैं, आगे जो चेंजेस होंगे लेकिन NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको करिए बिल्कुल, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और इसके बाद है आपका और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपका सेम है, तो ये तो दो चैप्टर्स हैं ना। देखिए फैक्ट सब में है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल इसी में मेहनत करनी है, बाकी में मेहनत नहीं करनी है, फैक्ट सब में है। इवन मुझे जो स्टार्टिंग के यू नो 3 चैप्टर्स हैं आपके, इसमें तो आपके इतने फैक्ट्स हैं कि मुझे बहुत टाइम लगा था इसको करने में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर रिविज़न करते हैं, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और अगर आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आई नो सॉल्व करने में लगता है कि क्यों सॉल्व करें, देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये फॉलो करने की कोशिश करी है कि मैं सबसे पहले अपने NCERT को पहले कंप्लीट करूंगी, और जब मैं NCERT कंप्लीट कर लूंगी, मैं इतनी श्योर हो जाऊंगी कि मुझे अब यहाँ के पॉइंट्स याद हैं, तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस उसके जो भी आए होते थे वो देखती थी, पहले मैं अपनी NCERT कंप्लीट करती थी। हाँ, लेकिन एक टेक्निक होती है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, कोई चैप्टर है आपका, आपको नहीं हो रहा है आपसे, और आपने कोई क्वेश्चन देखा और आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप उसके आंसर देखोगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखना है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो 2-3 टाइम्स आपने रीड कर रखा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये पर्टिकुलरली आपकी ज्योग्राफी को लेकर अप्रोच थी। ज्योग्राफी जब मैं बात करती हूँ तो मेरा ये मकसद था कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। थैंक यू सो मच।